Welcome all students. Once again we'll begin with the flamingo prose lesson number 1, that is the last lesson. Introduction of this lesson is, the lesson is set in the days of Franco-Persian war. ये उन दिनों की बात है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में वॉर चल रहा था, दैट इज बिटवीन 1870 एंड 1971, और जिसमें फ्रांस जो है वो डिफीट हो गया था बाय पर्शिया. आज के जो नेशंस हैं, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, वो उस टाइम पे पर्शिया कंसिस्ट करता था. इस स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस एंड लॉरेन, वो कंट्रोल में चले गए थे पर्शिया के आफ्टर फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया. इस स्टोरी में इस तरीके से बताया गया है कि लोगों का जो पेन था, दुख था, क्योंकि उनको जो डिफीट मिला था बाय पर्शिया, उसकी वजह से उनके कॉन्करर्स ने उनसे राइट ले लिया था स्टडी करने का एंड स्पीक करने का. वो ना तो फ्रेंच पढ़ सकते थे ना तो फ्रेंच बोल सकते थे, तो उनको जो दुख हो रहा था उस टाइम पे, ये स्टोरी में वो बताया गया है. ये स्टोरी बिगिन होती है जहाँ पे फ्रांस है एक लड़का जो स्कूल जा रहा है मॉर्निंग में, बट आज वो लेट हो रहा है स्कूल के लिए. फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड बिकॉज एम हैमल, जो उनके टीचर थे, उनसे डांट पड़ेगी, इसलिए उसको डर लग रहा था. कि एम हैमल वॉज टू क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स. आज उसके टीचर एम हैमल उसको क्वेश्चन पूछने वाले थे सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स से रिलेटेड, और उसको उसके बारे में एक भी वर्ड नहीं आता था. ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे. उसने सोचा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यहाँ से ही मैं बाहर कहीं अपना दिन स्पेंड करूंगा. द वॉर्म ब्राइट डे, द चिरपिंग बर्ड्स एंड द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल वॉज टेम्पटिंग. उसको ज़्यादा मन हो रहा था कि वो आज बाहर ही स्पेंड करेगा दिन, स्कूल नहीं जाएगा. बर्ड्स का चिरपिंग और पर्शियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे ओपन फील्ड में, वो उसको ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था. बट ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. बट उसने अपने आप को, अपने टेम्पटेशन को रोक लिया और स्कूल की तरफ वो जल्दी से जाने लगा. जब स्कूल की तरफ जा रहा था तब उसने देखा कि there was a crowd in front of bulletin board near the town hall. Town hall के पास में bulletin board था जहाँ पे बहुत सारे लोग crowd बना के खड़े हुए थे. तब उसने जब स्कूल की तरफ मूव हो रहा था तब वॉचर जो ब्लैकस्मिथ था उसने फ्रेंड्स को बोला कि इतना फास्ट नहीं जाने के लिए, एज ही वुड गेट टू हिज स्कूल इन टाइम. वो स्कूल टाइम पे पहुंच जाएगा, उसके पास इनफ टाइम है. यूजुअली देयर वाज अ ग्रेट बस्टल व्हेन द स्कूल बिगिन, बट दैट डे एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. मतलब कि जब स्कूल की तरफ वो जा रहा था, स्कूल पहुंचा, तब उसने देखा कि यूजुअली वहाँ पे स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चों की स्क्रीमिंग आवाज़ें होती थी, पर आज सब कुछ शांत था, जैसे कि संडे मॉर्निंग और कोई स्कूल नहीं होता था संडे को, उस तरीके से आज सब शांत था, क्वाइट था. थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. उसने अपने क्लास में विंडो से देखा, तब उसने देखा कि उसके क्लासमेट्स जो हैं ऑलरेडी अपने प्लेसेस पे बैठ चुके हैं शांति से, और उनके जो टीचर हैं एम हैमल वॉक कर रहे हैं आगे पीछे अप डाउन, और उनका जो आयरन का रूलर है वो उनके आर्म के नीचे है. फ्रांस ओपन्ड द डोर एंड वेंट इन. ही ब्लश्ड एंड वाज फ्राइटन. वो डोर क्लासरूम का ओपन किया उसने और वो अंदर गया, तब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था.
M. Hamel very kindly asked him to go to his place. But M. Hamel ने फ्रेंड्स को कुछ ज़्यादा नहीं बोला और उसे जस्ट बोला अपने प्लेस पे जाकर बैठने के लिए. फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि आज उनके टीचर जो हैं ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, फ्रिल शर्ट पहना है एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना है जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है. उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि इस तरीके के ब्यूटीफुल क्लोथ्स वो उनके टीचर हमेशा इंस्पेक्शन स्कूल का होता है तब पहनते हैं या कोई स्पेशल प्राइज डे होता है तब पहनते हैं. फ्रेंड्स ने ये भी नोटिस किया कि पीछे की जो बैक बेंचेस हैं जो हमेशा एम्प्टी रहते थे वहाँ पे आज ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए थे और सभी लोग एवरीबडी लुक सैड, सब उदास लग रहे थे आज. और हॉसर जो एक ओल्ड विलेजर था वो पीछे की बेंच पे बैठा हुआ था एंड हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. उसने अपने पास एक प्राइमर खोल के रखा हुआ था. प्राइमर इज एन एलिमेंट्री स्कूल बुक. एम. हैमल सेड दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम. उनके टीचर ने, फ्रेंड्स के टीचर ने ऐसा अनाउंस किया क्लास में कि आज वो लेसन अपना लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं और उसके बाद उनको सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा. सभी स्कूल्स में जो भी वहाँ के फ्रांस के एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स हैं वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा. तो आज उनका ये लास्ट लेसन था. द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे. ऐसा भी एम. हैमल ने बताया कि उनके नए टीचर आने वाले हैं और उनको वो नए टीचर कल से जर्मन सिखाएंगे. फ्रेंच का आज लास्ट लेसन था जो वो आज पढ़ाने वाले थे. फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन प्रॉपरली. जब फ्रेंड्स को पता चला कि उनके टीचर का आज लास्ट डे है, लास्ट लेसन है, फ्रेंच अब नहीं पढ़ाया जाएगा, तब उसको बहुत दुख हुआ कि आज तक उसने कभी भी क्लास में ध्यान नहीं दिया, टीचर जब पढ़ाते हैं कुछ सुना नहीं. आज उसको उसके लिए सॉरी फील हो रहा था. द आइडिया दैट एम. हैमल वॉज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. जब नरेटर फ्रेंड्स को पता चला कि उनके टीचर एम. हैमल अब स्कूल नहीं आएंगे, आज उनका लास्ट डे था, तब उसको बहुत दुख होने लगा और उस टाइम पे वो भूल गया कि वो टीचर कभी उसको रूलर से मारा करते थे या क्रैंकी होते थे, चिढ़ते थे, उसको डांटते थे. नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टूड व्हाई एम. हैमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वाज सिटिंग देयर. जब ये सब सुना फ्रेंड्स ने तब उसको समझ में आया कि उनके टीचर एम. हैमल ने आज अच्छे क्लोथ्स क्यों पहने हैं और लास्ट बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी वहाँ पे ओल्ड मैन, विलेज के मैन क्यों बैठे हुए हैं और बुक लेकर क्यों पढ़ रहे हैं. दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर. वो सारे विलेजर्स वहाँ पर आए थे थैंक्स बोलने के लिए उन टीचर को, एम. हैमल को, जो उन्होंने इतने सालों तक उनको सर्विस दिया है और वो अपनी कंट्री का रिस्पेक्ट भी दिखाना चाहते थे जो अब उनका नहीं था, पुर्शन के कंट्रोल में चला गया था. एम. हैमल आस्क फ्रेंड्स टू रिसाइट बट ही स्टूड देयर साइलेंट. द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम. एम. हैमल ने फ्रेंड्स को बोला रिसाइट करने के लिए बट वो कुछ भी नहीं बोला और साइलेंट चुप करके खड़ा रहा. टीचर ने उसके लिए उसको कोई नहीं डांटा, कुछ नहीं बोला. ही कन्फेस्ड दैट हिज पेरेंट्स एंड ही टीचर हिमसेल्फ वॉज एट फॉल्ट. टीचर एम. हैमल ने कन्फेस किया कि आज जो फ्रेंड्स या
जो भी बच्चे फ्रेंच नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्लास में, तो वो उनका फॉल्ट नहीं है, उनके पेरेंट्स का फॉल्ट है और उनका खुद का टीचर का फॉल्ट है। क्योंकि जब भी बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको अपने साथ काम पर ले जाते हैं, उन्हें स्कूल नहीं जाने देते, और टीचर भी उनको पढ़ाने के टाइम पे उनसे अपना काम करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के बदले उनसे अपना पर्सनल काम करवाते हैं। देन ही टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने तब बात किया कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, द मोस्ट लॉजिकल। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बोला, सबसे क्लियर लैंग्वेज बोला और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज बोला। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। टीचर ने उनको एडवाइस किया कि अपनी लैंग्वेज को खुद गार्ड करना, रक्षा करना और उसको कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही है जो उनको मुश्किल के टाइम में काम आ सकती है। उनको जब एनस्लेव किया जाएगा, उनके कॉन्करर्स उनको जब एनस्लेव करेंगे, तब उनको वहाँ से बचने के लिए, मुसीबत से बचने के लिए उनकी लैंग्वेज उनके काम आएगी। The pigeons cooed very low on the roof. Narrator बोल रहे हैं कि आज pigeon भी ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत लो वॉइस में वो कू कर रहे हैं। Friends thought if they would make even pigeons sing in German, तब friends सोचता है कि क्या pigeons को भी वो conquerors मजबूर करेंगे German में sing करने के लिए। All the while, M. Hamel was sitting motionless in his chair and gazing at one thing or the other. M. Hamel आज बिल्कुल motionless, ज़्यादा इधर उधर नहीं हिल रहे हैं, अपनी चेयर पे शांति से बैठे हैं और गेज कर रहे हैं, घूर रहे हैं एक चीज को और फिर दूसरी को। His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. M. Hamel की जो सिस्टर हैं ऊपर पैकिंग कर रही हैं, ऊपर के रूम में पैकिंग कर रही हैं, सब सामान ट्रंक में डाल रही हैं, क्योंकि टीचर नेक्स्ट डे जाने वाले थे कंट्री छोड़ के। देन दे हैड लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग। टीचर ने तब उनको लेसन दिया ग्रामर का और उनको लिखने के लिए बोला। देन हैड लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बी बी बू बो। फिर उनको ये चेंट करवाया, बुलवाया टीचर ने हिस्ट्री के लेसन के बाद। इवन ओल्ड हॉसर वॉज क्राइंग। जो ओल्ड विलेजर है, हॉसर है, लास्ट बेंच पे बैठा है, वो भी चेंट कर रहा था सभी बच्चों के साथ बा बी बी बू बो। All at once, the church clock struck 12, and then midday prayers. Church का bell बजा, 12 o'clock हुए, और बच्चों ने अपना midday prayer शुरू किया। At the same moment, the trumpets of the Persians, returning from the drill, sounded under the windows. और उसी time पे Persians के जो drill चल रहा था, वो खत्म हुआ, और वो लोग वापस आ रहे थे, ऐसा उनका आवाज़ सुनाई देने लगा। एम हेमल स्टूड अप, टीचर उठ के खड़े हुए। ही वॉन्टेड टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम। वो कुछ बोलना चाहते थे जाने से पहले, पर वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, एज इफ उनके गले में कुछ अटक गया हो। देन ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड। तब वो खड़े हुए और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, चौक उठा के क्या लिखा उन्होंने, विथ लॉ फ्रेंड्स, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। आफ्टर दिस ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। तब वो रुक गए और लीन करके, अपना सर लीन करके वॉल की तरफ
खड़े हो गए। Without a word, he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. और फिर वो कुछ नहीं बोले और इस तरीके से उन्होंने अपने हाथ को दिखाया कि अब क्लास स्कूल खत्म हो चुका है और सब लोग अपने घर जा सकते हैं। That's all. Thank you, students. At the end of this, I have put the assignment for you for poem 2, an elementary school classroom in a slum, and also for the first lesson, that is the last lesson. Thank you.